पॉइंट पे आते हैं। एक नाम सुने होंगे, शाहजहां, मुगल शासक। इनकी पत्नी का नाम था मुमताज। ये अपने पत्नी से काफी प्रेम करते थे। प्रेम करने के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के बाद जो है वही आगरा में ताज महल का निर्माण कराया जाता है। ताज महल का निर्माण। अब ये ताज महल का निर्माण क्यों कराया गया और क्यों मृत्यु हुई, बस थोड़ी सी समय लेंगे आपका और बताते हैं। देखिए, शाहजहां ने जो शादी किया था मुमताज से, ठीक है, शादी क्या, निकाह बोलिए इसको, तो निकाह किए थे, तो उनको लगभग 13 बच्चे हो गए थे, 13 बच्चे, ठीक है। जब 14वां का जन्म दे रही थी, 14वां बच्चे का जन्म दे रही थी कौन, मुमताज। उस समय मुमताज के शरीर में ये हार्मोन्स जो था रिलैक्सेशन, ये काफी मात्रा में कम हो गया था, जिसके कारण ये बच्चा जो है, ठीक है, ये बच्चा यहां पे आकर के इस अरे साइज में पड़ गया। अब वो काफी जोर लगाने के बाद भी काफी डॉक्टर्स, भाई राजा है तो डॉक्टर्स की तो कमी रहेगी नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स आए देखे, फिर भी सारे डॉक्टर विफल रहे, क्योंकि अभी के समय में जितने सारे उपकरण की बात करें, सीजरियन के लिए ऑपरेशन के, उस समय तो ऑपरेशन था नहीं, कुछ वही जड़ी बूटी वाली कहानी थी। काफी कोशिश किए, उसके बाद भी ये 14वां बच्चे का जन्म नहीं हुआ, ठीक है, और नहीं हो पाया, जिसके कारण मुमताज जो है छोड़कर चली गई, और इन्हीं के याद में ये ताजमहल बना दिया गया। अब ये सोचने वाली बात है, मुमताज की शादी जो हुई थी वो 20 वर्ष में हुई थी, यानी 20 साल की थी लगभग तब हुई थी, और 13 बच्चे को जन्म पहले भी दे चुकी थी, और 14वां बच्चे दे रही थी, जिसमें जो है रिलैक्सेशन हार्मोन्स के कमी के कारण स्वर्ग सिधार गया। तो आप लोग रिलैक्सेशन कितना महत्वपूर्ण है आप समझ गए,